जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि IRMS का नोटिफिकेशन आ चुका है, क्योंकि अब सारे एस्पिरेंट्स जो इंडियन रेलवे को ज्वाइन करना चाहते थे उनके पास अब ऑप्शन है कि वो इंडियन रेलवे ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडियन रेलवे जो ग्रुप ए ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करता था UPSC सिविल सर्विसेज के थ्रू और UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, वो बंद हो गया था क्योंकि IRMS प्रोसेस में था और इस वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि IRMS का नोटिफिकेशन आ गया है तो इन एग्जाम्स का प्रोसेस शुरू होगा और ग्रुप ए ऑफिसर्स का इंडक्शन इंडियन रेलवे में शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा वीडियो IRMS नोटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आप अभी तक देख चुके होंगे। मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में कि इंडियन रेलवे का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे इंडियन रेलवे को ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपको ये जानने की ज़रूरत होगी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें जो ग्रुप ए ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं उनको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिलती है, कहाँ कहाँ पे काम करने का मौका मिलता है, जोन्स क्या है, डिविजन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्कशॉप्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और क्या क्राइटेरिया होता है ऑफिसर का हेडक्वार्टर में पोस्टिंग का, डिवीजन में पोस्टिंग का, वर्कशॉप में पोस्टिंग का या प्रोडक्शन यूनिट में पोस्टिंग का। उसके बाद हेडक्वार्टर, डिवीजन, वर्कशॉप का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम समझेंगे। और आप इंडियन रेलवे अगर ज्वाइन करेंगे तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है एस्पिरेंट्स के मन में कि जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, किन किन शहरों में हो सकती है, कौन कौन सी जगह पर हो सकती है। और लास्ट में प्रमोशन आस्पेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है सारे कैंडिडेट्स का जो ज्वाइन करते हैं इंडियन रेलवे को, कि उनका प्रमोशन आस्पेक्ट्स क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें इंडियन रेलवेज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो हमारी इंडियन रेलवे है इसका वर्ल्ड लेवल पे क्या फुटिंग है। इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गवर्नमेंट ओन्ड रेलवे सिस्टम है, यानी कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे रेलवे प्राइवेट पार्टीज को दे दिया गया है, लेकिन वो सारी कंट्रीज जहाँ पे रेलवे सिस्टम, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, जो गवर्नमेंट के पास है, उसमें इंडियन रेलवे चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। इंडियन रेलवे की जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो 12.5 लाख से ज़्यादा है, और इस तरह से इंडियन रेलवे दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर यानी कि जिसने इतना स्टाफ ओन करके रखा हुआ है। इंडियन रेलवे का टोटल रूट लेंथ 1,26,000 किलोमीटर से ज्यादा है और इसका 75% से ज्यादा पोर्शन इलेक्ट्रिफाई हो चुका है। इंडियन रेलवे लगभग हर दिन 1 लाख से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन चलाती है और इस 1 लाख में सबर्बन सर्विसेज भी शामिल है। 1,000 पैसेंजर ट्रेन चलाने के साथ साथ 8,500 के लगभग फ्रेट ट्रेन भी चलाती है, गुड्स ट्रेन जिसमें कि माल ढुलाई होती है, फ्रेट लोडिंग होती है। और इंडियन रेलवे हर दिन 24 मिलियन पैसेंजर कैरी करती है, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ पैसेंजर, और ये हमारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग लगभग 2% होता है, यानी कि इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहा होता है। तो इन फैक्ट्स एंड फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, कितनी ह्यूज है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफिसर्स की, यानी कि इस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो हैं 17,428 और उसमें डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं सिर्फ 10,540, यानी कि जो डायरेक्ट ऑफिसर जो UPSC के थ्रू रिक्रूट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10,540 हैं। और जो टोटल ऑफिसर्स का काउंट है 17,428, उसमें से 6,888 के आसपास ऑफिसर्स ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं जो प्रमोट होते हैं डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंटली प्रमोशंस के थ्रू ऑफिसर बनते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं जो UPSC के थ्रू आते हैं वो सिर्फ 10,540 हैं, यानी कि अगर 12 लाख, 12.5 लाख के आसपास अगर इसकी स्टाफ स्ट्रेंथ है इंडियन रेलवे की और उसमें डायरेक्ट ऑफिसर सिर्फ 10,540 हैं, तो ये करीब करीब 0.84% ही होता है। यानी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 0.84% डायरेक्ट ऑफिसर्स होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवे में डायरेक्ट ऑफिसर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, उनका रोल क्या है। और यही वो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं जो आगे प्रमोट होके
DRMs बनते हैं, जनरल मैनेजर्स बनते हैं, बोर्ड मेंबर्स में जाते हैं, CRB एंड CEO बनते हैं इंडियन रेलवे का, यही ग्रुप ए ऑफिसर जो रिक्रूट होते हैं, डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं। अब अगर रेलवे के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर रेलवे बोर्ड है, और रेलवे की वर्किंग को स्मूथ करने के लिए, ईज करने के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट जोनल रेलवेज में डिवाइड किया गया है, जोन्स में डिवाइड किया गया है, ये अभी हम समझेंगे वीडियो में आगे। और जोन्स की वर्किंग को ईजी करने के लिए उसको फर्दर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, वर्कशॉप्स में डिवाइड किया गया है और प्रोडक्शन यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे में कुछ उसकी सिस्टर कंसर्न है, रेलवे की कुछ अंडरटेकिंग्स हैं जो रेलवे के साथ काम करती हैं, इन सबको हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। जोन्स कौन कौन से हैं, डिवीजन कौन से हैं, वर्कशॉप कौन सी हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स कौन से हैं और अंडरटेकिंग्स कौन कौन से हैं, ये सब हम इस वीडियो में अभी समझने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवे के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो आप देखिए, इंडियन रेलवे में सबसे ऊपर होते हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव जी, जो इंडियन रेलवे के मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं। उसके नीचे दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर रेलवेज हैं होते हैं, जिसमें अभी श्री राव साहेब दनवे साहब हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रेलवेज के, और दूसरे अमोएसआर हैं श्रीमती दर्शना जरदोश। और इन ये MR यानी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, और दो MOSR के बाद होते हैं चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड। पहले ये डिजिग्नेशन सिर्फ CRB होती थी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, लेकिन अब ये डिजिग्नेशन बदल गई है, अब ये चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड हो गए हैं। रेलवे बोर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें CRB के साथ चार बोर्ड मेंबर होते हैं, मेंबर TNRS दैट इज मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट दैट इज मेंबर MONBD एंड मेंबर फाइनेंस। तो बोर्ड मेंबर के कॉन्फ़िगरेशन में CRB और चार बोर्ड मेंबर्स के साथ साथ चार डायरेक्टर जनरल्स भी होते हैं, DGRHS, DGHR, DGRPF एंड DG सेफ्टी। उसके बाद रेलवे का फर्दर जो सेगमेंटाइजेशन होता है वो जोनल रेलवेज में होता है, जिसको ओपन लाइन बोलते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स में होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स में भी डिस्कस करूंगा आपको इस वीडियो में फर्दर। आपने नाम जरूर सुने होंगे, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क CLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW, ICF, ये सब मैं अभी वीडियो में डिस्कस करूंगा आगे। और जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ साथ अदर यूनिट्स भी होते हैं, जिसमें शामिल है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कोर, इसका इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन करने की। और साथ ही साथ है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप दैट इज COFMO, और नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बड़ोदरा नायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि जो ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग का मेजर पोर्शन नायर में होता है, बड़ोदरा में होता है। इंडियन रेलवे की ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग्स नायर में होती है, और जो नए प्रोबेशनर्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग का जो पीरियड है मैक्सिमम बड़ोदरा में निकलता है, मैक्सिमम नायर में निकलता है। और अदर यूनिट्स में रेलवे की बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होती है इंडियन रेलवे की, वो है RDSO, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और उसके बाद आता है ऑटोनोमस बॉडीज अथॉरिटीज, जो सिस्टर कंसर्न है इंडियन रेलवे के अंडरटेकिंग्स हैं, ये आते हैं। इनमें आपने DFCIL, IRCTC का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि IRCTC इंडियन रेलवे का पूरा कैटरिंग और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। दोस्तों, इन सभी को हम अभी डिटेल में समझेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, अब रेलवे बोर्ड स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम समझते हैं जोनल स्ट्रक्चर क्या होता है इंडियन रेलवे का। जोन में जोन को लीड करते हैं जनरल मैनेजर, जो कि हेड ऑफ द जोन होते हैं, और ये बहुत बहुत पावरफुल पोस्ट होती है जनरल मैनेजर्स की, क्योंकि पूरे एक जोन को कंट्रोल करते हैं जनरल मैनेजर, उनकी सारी डिसीजन मेकिंग जनरल मैनेजर के पास होती है। जनरल मैनेजर से नीचे होते हैं एडिशनल जनरल मैनेजर, एक ही एडिशनल जनरल मैनेजर होता है, और उनके नीचे होते हैं प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट का एक प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं ये अभी हम वीडियो में आगे समझेंगे। उसके बाद हर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, और डिप्यूटी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो कि JA ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं, यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ऑफिसर्स होते हैं, और उनके हैं सीनियर स्केल ऑफिसर्स और जूनियर स्केल ऑफिसर्स।
अगर हम बात करें डिवीजन के स्ट्रक्चर की, तो डिवीजन को लीड करते हैं डिवीजनल रेलवे मैनेजर्स, DRMs, जो कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर होते हैं, SAG ग्रेड ऑफिसर होते हैं। उनके नीचे ADRMs होते हैं, ADRM एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हेलो, CRMs भी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर होते हैं। उनके नीचे ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं, जो कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ऑफिसर होते हैं। ब्रांच ऑफिसर डिविजनल लेवल पे हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, यानी डिविजनल लेवल पे हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, उसको ब्रांच ऑफिसर बोलते हैं। और हर ब्रांच ऑफिसर के अंडर में, उनके कंट्रोल में सीनियर स्किल ऑफिसर्स होते हैं और जूनियर स्किल ऑफिसर्स होते हैं। वर्कशॉप के स्ट्रक्चर की बात करें, तो वर्कशॉप को हेड करते हैं चीफ वर्क्स मैनेजर्स, जो कि SAG ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर होते हैं। उनके नीचे JAG ऑफिसर्स होते हैं, उनके डिप्टीज होते हैं, और उनके नीचे सीनियर स्केल ऑफिसर्स और जूनियर स्केल ऑफिसर्स होते हैं। इसमें जो ऑफिसर्स डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं, वो जूनियर स्केल लेवल पे रिक्रूट होते हैं। या जहाँ तक ऑफिसर्स की हायरार्की की बात करें, तो सबसे नीचे जूनियर स्केल ऑफिसर्स होते हैं। जो न्यू रिक्रूटर्स होते हैं, वो जूनियर स्केल में ज्वाइन करते हैं। जो जूनियर स्केल ऑफिसर्स होते हैं, जो रिक्रूट होके आते हैं, वो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में वो डिवीजन में ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकते हैं, वो हेडक्वार्टर में ज्वाइन कर सकते हैं, जूनियर हेडक्वार्टर में, या रेलवे बोर्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो जो अंडरटेकिंग्स हैं इंडियन रेलवे की, उसमें ज्वाइन डायरेक्टली नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो डायरेक्ट ऑफिसर्स आएंगे, वो वर्कशॉप, डिवीजन, हेडक्वार्टर और रेलवे बोर्ड कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जनरल जो प्रैक्टिस है इंडियन रेलवे की, वो डायरेक्ट ऑफिसर वर्कशॉप्स और डिवीजन्स में पहले पोस्ट होते हैं। और जब वो कुछ साल बिताते हैं, उनको एक्सपीरियंस आता है, उसके बाद उनकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होती है। और डिवीजन, वर्कशॉप, हेडक्वार्टर का जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब वो रेलवे बोर्ड में जाते हैं। जनरली ये फ्लो चार्ट फॉलो होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे कोई भी डायरेक्ट ऑफिसर कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। अब अगर हम इंडियन रेलवे के डिफरेंट जोन्स की बात करें, जिसमें ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, और इन्हीं के साथ काउंट होता है कोलकाता मेट्रो भी। यानी इंडियन रेलवे की वर्किंग को ईज करने के लिए इतने जोन्स में डिवाइड किया गया है, और ये जोन्स फर्दर डिविजन्स में डिवाइड किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से डिविजन्स हैं इंडियन रेलवे में, क्योंकि अगर आप इंडियन रेलवे आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको इन्हीं किसी डिविजन्स और वर्कशॉप्स में काम करना होगा। सेंट्रल रेलवे में 5 डिवीजन आते हैं, मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर। ई सेंट्रल रेलवे में 5 डिवीजन्स आते हैं, दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको मुगल सराय पहले बोलते थे, और धनबाद। ईस्ट कोस्ट रेलवे में वाल्टियर, खुर्दा रोड, संबलपुर 3 डिवीजन है। ईस्टर्न रेलवे में 4 डिवीजन है, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 3 डिवीजन है, आगरा, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और झांसी। ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 3 डिवीजन है, अजयत नगर, लखनऊ एंड वाराणसी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 4 डिवीजन है, अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 5 डिवीजन है, कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लामडिंग, तिनसुकिया, अम्बाला, फिरोजपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद। ये 5 डिवीजन है नॉर्दर्न रेलवे में। साउथ सेंट्रल रेलवे में गुंटकल, गुंटूर, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, हैदराबाद, नांदेड, 6 डिवीजन्स हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 3 डिवीजन है, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 4 डिवीजन्स हैं, आगरा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची। साउथ वेस्टर्न रेलवे में 3 डिवीजन आते हैं, बेंगलोर, हुबली एंड मैसूर। सदर्न रेलवे में 6 डिवीजन्स हैं, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, पालघाट, त्रिवेंद्रम एंड सलेम। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 3 डिवीजन हैं, जबलपुर, भोपाल एंड कोटा। वेस्टर्न रेलवे में 6 डिवीजन्स हैं, मुंबई सेंट्रल, बड़ोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट एंड भावनगर। और सेवन जोनल जोन्स की 7th पोजीशन पे आते हैं कोलकाता मेट्रो, जो कि कोलकाता बेस्ड है नेचुरली। अब बात करते हैं वर्कशॉप्स की, कि कौन कौन सी वर्कशॉप्स किस किस जोन में है, क्योंकि डायरेक्ट ऑफिसर्स की पोस्टिंग वर्कशॉप्स में भी होती है। देखते हैं, सेंट्रल रेलवे में है 3 वर्कशॉप,
कुर्डुवडी, मटुंगा एंड परेल। ईस्टर्न रेलवे में है लिलुआ, कचरापाड़ा, जमालपुर एंड बजबज वर्कशॉप। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है हमूद और समस्तीपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे में है मंचेश्वर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है नागपुर, रायपुर। नॉर्दर्न में है चारबाग, आलमबाग, अमृतसर, जगाधरी और कालका। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में झांसी और ग्वालियर दो वर्कशॉप्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में गोरखपुर, आजेट नगर है। साउथ वेस्टर्न रेलवे में मैसूर और हुबली है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में डिब्रूगढ़, न्यू बोनगांव और तीन धरिया वर्कशॉप्स हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अजमेर, बीकानेर, जोधपुर वर्कशॉप है। सदर्न रेलवे में पेरम्बूर और गोल्डन रॉक वर्कशॉप्स हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे में खड़गपुर और हल्दिया वर्कशॉप्स हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे में लालागुडा, गुंटापल्ली और तिरुपति वर्कशॉप्स हैं। वेस्टर्न रेलवे में दाहोद, लोअर परेल, महालक्ष्मी, प्रताप नगर और भावनगर वर्कशॉप्स हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में कोटा और भोपाल दो वर्कशॉप्स हैं। तो दोस्तों 17 जोन्स के डिविजन्स और वर्कशॉप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जब कोई डायरेक्ट ऑफिसर आएगा तो उसकी पोस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा इन्हीं जगहों पर होगी, यानी डिविजन्स और वर्कशॉप्स में। तो आप ये लोकेशन देख लीजिए, सिटी देख लीजिए, इन्हीं जगहों पर आपकी पोस्टिंग होगी एज डायरेक्ट ऑफिसर जब आप ज्वाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट्स की। तो इसमें है CLW चितरंजन, BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, ICF चेन्नई में है, RWF रेल व्हील फैक्ट्री जो कि बेंगलोर में है, MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, रेल व्हील प्लांट बेला में, WPO पटना, WPO वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन रेलवे में जो भी नया प्रोडक्शन यूनिट आएगा या वर्कशॉप आएगा, कहाँ आएगा, उसकी क्या फिजिबिलिटी होगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी WPO पटना की यानी वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन पटना की है। और DMW पटियाला डीजल लोकोमोटिव्स मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला। CLW और BLW ये इंजन्स बनाते हैं। ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, इसमें कोचेस बनते हैं इंडियन रेलवे के, जिसमें आपने सुना होगा ICF कोचेस जो इंडियन रेलवे के पुरानी रेक्स हैं जिनमें ICF कोच लगे हुए हैं। उसके बाद LHB कोचेस आ गए हैं और अभी वंदे भारत के बारे में आपने सुना होगा 1018 जिसको बोलते हैं, उसका भी रेक ICF चेन्नई में ही बना था। उसके बाद RCF कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, इसमें भी इंडियन रेलवे के कोचेस बनते हैं। RWF रेल व्हील फैक्ट्री है जिसमें इंडियन रेलवे के व्हील्स मैन्युफैक्चर होते हैं। MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री, इसमें भी इंडियन रेलवे के कोचेस बनते हैं, यानी कि ICF, RCF और MCF ये तीन प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहाँ पे इंडियन रेलवे के कोचेस बनते हैं। तो अब जब इस बार बजट में ये डिक्लेयर हुआ है कि इंडियन रेलवे अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत बनाएगी, तो ये वंदे भारत की जो रेक्स हैं वो ICF, RCF और MCF मिलकर ही बनाएगा, क्योंकि ये इंडिजिनस है, टोटली इनका जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में ही होगा और उसको ICF, RCF और MCF मिलकर बनाएंगे। अब बात करते हैं अंडरटेकिंग्स की, जो इंडियन रेलवे की अंडरटेकिंग्स हैं, इंडियन रेलवे की जो सिस्टर कंसर्न है। इसमें आते हैं DFCC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडियन रेलवे में जो अभी आपने देखा है कि इंडियन रेलवे में एक ही ट्रैक पे मालगाड़ी भी चलती है और मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, और इसकी वजह से जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनकी पंचुअलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इंडियन रेलवे ने ये डिसाइड किया कि वो पैसेंजर ट्रेन का और मालगाड़ी का अलग अलग रूट कर देगी, और वो जो मालगाड़ी का रूट बन रहा है जो डेडिकेटेड मालगाड़ी के लिए रहेगा, उसमें पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, वो DFCCIL बना रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना रही है। और जब ये DFCCIL पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना देगी, वो इंडियन रेलवे के लिए एक रेवोल्यूशन रहेगा, क्योंकि एक पूरा ट्रैक हो जाएगा जिसमें सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, तो नेचुरली माल ढुलाई काफ़ी ज़्यादा इंडियन रेलवे की एक्सपेडाइट हो जाएगी, माल ढुलाई काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, मालगाड़ियाँ टाइम पे चलेंगी, तेज चलेंगी, और जो कस्टमर्स हैं उनको टाइमली अपना अपना जो उन्होंने लोड किया है सामान उनको डिलीवर होता रहेगा। साथ ही साथ जो ट्रैक जिस पे पहले मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन और मेल एक्सप्रेस चलती थी, अब वहाँ पे सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, मेल एक्सप्रेस चलेंगी, तो उनकी पंचुअलिटी अच्छी हो जाएगी, यानी कि हमारा जो ट्रांजिट टाइम है, जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, वो इम्प्रूव हो जाएगा।
IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि इंडियन रेलवे की कैटरिंग और रिजर्वेशन IRCTC मैनेज करती है। उसके बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन KRC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC, RCIL, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे का जितना IT पोर्शन है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पोर्शन है, उसको RCIL कैरी करती है, उसको टेक ओवर करती है। उसके बाद राइट्स है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, RLDA रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड क्रिस सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रिस भी इंडियन रेलवे के IT रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको कैटर करती है, उनको टेक केयर करती है। दोस्तों ये जो अंडरटेकिंग्स हैं इसमें जो डायरेक्ट ऑफिसर्स आते हैं उनकी डायरेक्ट पोस्टिंग यहाँ पर नहीं होती है। जो डायरेक्ट ऑफिसर्स आते हैं वो इन अंडरटेकिंग्स में, जो इंडिया इंडियन रेलवे के अंडरटेकिंग्स है इसमें, वो डेपोटेशन पे जाते हैं और डेपोटेशन की कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं कि कितने साल उनको पहले अपने जूनियर रेलवे में काम करना होगा, उसके बाद जब वो एलिजिबल होते हैं फिर वो डेपोटेशन में जाते हैं, उसकी उन्हें परमिशन लेनी होती है। डेपोटेशन का एक सर्टेन पीरियड होता है 3 साल या 5 साल का, और उसके बाद वापस वो अपने जो अपने डिवीजन में वापस आ जाते हैं जो उनका पेरेंट रेलवे होता है। पेरेंट रेलवे का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं तो आपको किसी ना किसी एक जोन में पोस्ट किया जाता है, वो आपका पेरेंट जोन होता है। उसके बाद आप इंडियन रेलवे में कहीं भी घूमते रहिए, कहीं भी आपका ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन आपका पेरेंट रेलवे वही जोन होगा, आपका लियन वहीं पर मेंटेन होगा। तो कुछ समय जॉब करने के बाद फिर इन अंडरटेकिंग्स में डेपुटेशन में ऑफिसर जाते हैं और डेपुटेशन कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन रेलवे के डिपार्टमेंट्स की, इसको बहुत अच्छे समझने की ज़रूरत है। IRMS के पहले इंडियन रेलवे में ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो डायरेक्ट ऑफिसर्स होते थे वो UPSC 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती थी, UPSC सिविल सर्विसेज और UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज, और उसके पहले SCRA का एग्ज़ाम भी होता था जो मैकेनिकल ऑफिसर्स के लिए होता था, लेकिन SCRA बाद में बंद हो गया। तो IRMS के पहले सिर्फ 2 मोड ऑफ रिक्रूटमेंट थे डायरेक्ट ऑफिसर्स के लिए, UPSC सिविल सर्विसेज और UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, इन 4 का रिक्रूटमेंट होता था UPSC सिविल सर्विसेज के थ्रू। और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग और स्टोर्स के लिए, इनके लिए रिक्रूटमेंट होता था UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू। और मेडिकल डिपार्टमेंट का अलग से UPSC एग्ज़ाम करती थी इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज IRMS, IRMS इसका नाम होता था, लेकिन जब IRMS यानी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो गया तो इसका अब नाम बदल गया है, ये इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेज हो गया है IRHS। इस पोर्शन में आप देखेंगे इस ट्री के, इसमें सेफ्टी कंस्ट्रक्शन और विजिलेंस डिपार्टमेंट है। तो सेफ्टी कंस्ट्रक्शन और विजिलेंस डिपार्टमेंट में ये जो ऊपर मैंने जो डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, इन्हीं डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर ज़रूरत पड़ने पे इन डिपार्टमेंट्स में आते हैं, अपना टेन्योर पूरा करते हैं और वापस चले जाते हैं। यानी इंडियन रेलवे के जो कोर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें फाइनेंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, ट्रैफिक है और पर्सनल डिपार्टमेंट है, और सिक्योरिटी एंड मेडिकल सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स हैं। सेफ्टी कंस्ट्रक्शन विजिलेंस ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जिनका जिनमें जो ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं टेन्योर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, वो इन डिपार्टमेंट से आते हैं और अपना असाइनमेंट पूरा करके वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। दोस्तों IRMS का जब जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा, अगर आप देखें तो ये सैलरी स्ट्रक्चर होगा, और इसको समझने के लिए आपको 7 पे मैट्रिक्स को समझना ज़रूरी है। 7 पे मैट्रिक्स में आपने देखा होगा 1 से लेके 17 तक पे लेवल्स बने हुए हैं। तो जो डायरेक्ट ऑफिसर्स होते हैं वो सीधा लेवल 10 में ज्वाइन करते हैं जूनियर टाइम स्केल पे, जो मैंने आपको बोला था जूनियर स्केल ऑफिसर, और ये उनका पे बैंड होता है। उसके बाद जूनियर स्केल से सीनियर स्केल में उनका प्रमोशन होता है, टाइम स्केल पे ये प्रमोशन, ये सारे जो प्रमोशंस हैं, ये जो जितना मैंने ट्री दिखाया है
ये सारे टाइम स्केल पे होते हैं। यानी इंडियन रेलवे में एक बार आप अगर डायरेक्ट ऑफिसर्स के रूप में ज्वाइन करते हैं, रिक्रूट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद आपके सारे प्रमोशंस ऑटोमेटिकली टाइम स्केल पे होते हैं। इनका सबका पर्टिकुलर टाइम है, 2 साल, 3 साल, 12 साल, 18 साल, उस तरह से आप टाइम स्केल पे प्रमोट होते जाते हैं। तो सबसे पहले लेवल 10 में ज्वाइन करते हैं जूनियर स्केल ऑफिसर, उसके बाद सीनियर स्केल ऑफिसर हो जाते हैं जो लेवल 11 में होते हैं, फिर बनते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर, JAG ऑफिसर, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। ये लेवल 12 ऑफिसर होते हैं और ये DM और SP के रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद लेवल 13 में आते हैं नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर्स, लेवल 14 में आते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स, SAG ऑफिसर्स, जिसमें DRMs और CWMs आते हैं। उसके बाद HAG प्लस होता है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होता है, जिसमें प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं। HAG प्लस, इसमें जनरल मैनेजर्स और एडिशनल जनरल मैनेजर्स आते हैं, और अपेक्स लेवल रेलवे बोर्ड का बोर्ड मेंबर्स का लेवल होता है। तो ये टोटल हायरार्की होती है ऑफिसर्स की जब वो इंडियन रेलवे में रिक्रूट होते हैं, तो वो इस हायरार्की को फॉलो करते हैं, इस तरह से उनके प्रमोशंस होते हैं। दोस्तों, ये इंडियन रेलवे का मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया, कहा जो ऑफिसर्स डायरेक्टली रिक्रूट होंगे IRMS के थ्रू, ये उनके सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपका डिस्कस किए कि वो किस तरह से डिफरेंट जोन्स में पोस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट डिवीजन में पोस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स में पोस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में पोस्ट हो सकते हैं, और टाइम के साथ वो अंडरटेक जो रेलवे की सिस्टर कंसर्न है, जो यूनिट्स हैं अंडरटेकिंग, उनमें भी डेपोटेशन पे जा सकते हैं। जहाँ पर डेपोटेशन की बात है, तो इंडियन रेलवे के ऑफिसर्स दूसरी मिनिस्ट्रीज में भी डेपोटेशन पे जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इंडियन रेलवे के ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है, जो उनकी लर्निंग होती है, वो इतनी शानदार होती है कि बाकी सारी मिनिस्ट्री में रेलवे ऑफिसर्स की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि वो वहाँ पर जाके बहुत ही एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। अगर ऑफिसर्स इंटरेस्टेड होते हैं और उनके सीनियर ऑफिसर्स उनको अलाउ करते हैं, तो वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में भी डेपोटेशन पे जा सकते हैं, और डेपोटेशन अपना कंप्लीट करने के बाद वो अपने पेरेंट मिनिस्ट्री में, अपने पेरेंट जोन में, अपने पेरेंट डिवीजन में वापस आ जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इंडियन रेलवेज के बारे में जानना चाहते हैं, इंडियन रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इंडियन रेलवे में ऑफिसर्स कहाँ कहाँ पोस्ट होते हैं, क्या उनकी लाइफ होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको उसका जवाब आपको दूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।